हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी मैं उठी हूँ और अपना डिटॉक्स ड्रिंक पी रही हूँ, हल्दी वाला पानी, और फिर उसके बाद अपनी चाय बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो, आज भाई दूज है तो हैप्पी भाई दूज आप सबको, और आज पूरा दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी शुरुआत हुई है मॉर्निंग ड्रिंक से, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी चाय बना ली थी, तो यहाँ मैं अपना चाय पी रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम फ्री करके और मैं चली गई थी शाल लेने। और ये है मेरे कपड़े, जो आज का आउटफिट जो आज मैं पहनने वाली भाई दूज के लिए, जो मैंने मंगवाया था, ऑनलाइन मंगवाया था, और बहुत ही प्यारा कलर है। उसके साथ मैं ये वाले कंगन पहनने वाली हूँ, और थोड़ा सा मेकअप का प्रोडक्ट को मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ट्रांजिशन वीडियो बना रही थी। उसके बाद आ गई थी शाल लेके, और ये था मेरा लुक। फ्रेंड्स, मैं ना के आ चुकी हूँ, गुरु जी की चिराग कर दिया है मैंने यहाँ पे, और बस यहाँ पे थोड़ी सेटिंग कर दी है। आज सोफ़ा कवर आने वाले हैं, तो आज देखते हैं, सोफ़ा कवर आज आगे तो मैं चेंज कर दूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ, चाय बना देती हूँ, क्योंकि मैड आई हुई है, उसने सफाई कर दी है सारी। तो मैड के लिए मैं चाय बना देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और उसके बाद मैंने बना दी थी मेट को चाय, साथ साथ में मैं भी आधा कप चाय पी रही हूँ, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई थी, तो कभी कभी मैं मेट के साथ पी लेती हूँ। यहाँ मैं इससे बात कर रही थी, ये बोल रही थी कल मैं आऊँगी नहीं, तो बस उसके बाद वो चली गई थी। और उसके बाद मेरी जो नीस आई हुई है गुड़गांव से, वो आ गई थी, और भाई दूज इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, और कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह इन्होंने लगवाई पिक क्लिक कर रहे थे सब लोग अपने भाई बहन, तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था वीडियो। और इन लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर क्लिक कराई, थोड़ा सा वीडियो बनाए, फिर हम सब ने मिलके मैगी खाई, और डॉक्टर ने मैगी बनाई थी आज, और मटर वाली मैगी बनाई थी इसने डाल के, जो कि अच्छी बनी थी। हेलो जी, अभी बज रहे हैं 3 और अभी सब जा चुके हैं। मेरी मदर इन लॉ हैं, वो जा चुके हैं अपने भाइयों के, क्योंकि आज भाई दूज है, तो वो अपने भाइयों के घर गए हैं। और हमारे घर पे भी बुआजी वगैरह जो आए थे वो आ चुके हैं, और वो भी चले गए हैं। और मेरी नीस आई हुई है गुड़गांव से, तो वो भी अभी आई थी, और तो इनका जो भी भाई दूज का इन्होंने सेलिब्रेट किया है, और वो लोग पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो अभी वो चले गए हैं। और शाम को मुझे रेडी, शाम को मैंने डिनर पे बुलाया है सबको, मतलब जितनी भी मेरी नीस है, तो उन सबको मैंने डिनर पे बुलाया है, क्योंकि भाई दूज के शाम को मैंने रखा है। तो अभी तो 3 बज रहे हैं, अभी मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मेरे को शाम को डिनर की तैयारी में लगना है, और मैं खुद ही बनाऊँगी, अकेली हूँ, तो मुझे जो भी प्रिपरेशन करनी है सब कुछ मेरे को ही करना है, तो मैं जल्दी लग जाऊँगी। ठीक है, वो क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही वो सब आपको साथ में शेयर कर दूँगी। अभी बज रहे हैं 3:15 हो चुकी हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी देर में रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद शाम की चाय पीने के बाद सारे डिनर की वगैरह की तैयारी करनी है। और बहुत अच्छा लगता है, पता है, जब फेस्टिवल पे जब पूरी फैमिली साथ होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ यहाँ सब यहीं आ जाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब फेस्टिवल पे अपनी पूरी फैमिली, सारे सिबलिंग, सब लोग साथ में होते हैं, और जब लोग आते हैं घर पे, एक माहौल सा बना हुआ रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल का जो एनवायरनमेंट होता है। तो चलिए, अभी तो मैं थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको शाम को चाय के टाइम। उसके बाद 4 बजे मैं उठी, तो देखा तो डॉक्टर को भूख लग रही, तो वो अपने लिए मैगी बना रही है, और 4 बज चुके थे, तो मैं भी उसके बाद मार्केट निकल गई थी, कुछ काम के लिए मार्केट निकली थी, कुछ लेके आना था, लेकिन फिर हम कुछ खाने के लिए यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे हमने सैंडविच और पेटीज़ वगैरह ऑर्डर किया था, तो हम उसके ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तब तक मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर दी, पीछे लोग काफ़ी लोग बैठे थे, क्योंकि भाई दूजे सेलिब्रेशन का टाइम है, तो काफ़ी लोग आए हुए थे, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर मैं यहाँ कर देती हूँ, क्योंकि पीछे म्यूज़िक वगैरह भी बज रहा था। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल के आ गए थे मॉल, मॉल के अंदर हमने को कुछ सामान लेना था, और आज मॉल में बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, तो बस जल्दी जल्दी मुझे 2-4 सामान लेना था, वो मैंने लिया, लेकिन लाइन में काफ़ी टाइम लग गया था हमको बिल बनवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी रश था, और कोई भी जो होते ना बिलिंग काउंटर का, कोई भी खाली नहीं था। खैर, उसके बाद हम आ गए थे घर पे, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना, सारी तैयारी कर ली है, जीरा राइस बन चुके हैं, और सब्जी वगैरह बन गई, गर्म गर्म पूरी निकाल रही हूँ,
तो खाना सारा ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लगा था और सारा खाना रेडी हो चुका है। उसके बाद नीस वगैरह को मैंने बोला हुआ था, 7:30 बजे का टाइम दिया हुआ है मैंने, तो वो लोग आने वाले हैं। और देखिए ग्रीन ग्रीन कोरिएंडर मैंने डाल दिया, और मुझे हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है दाल में और सब्ज़ी में, तो ये सब खाना तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद वो आ गए थे, उनको खाना मैंने खिला दिया। मैं सामने सूट नहीं किया था और ये खीर मैं लेके जा रही हूँ, लास्ट टाइम उन्होंने खीर वीर खाई। और फिर उसके बाद कुछ लोग चले गए थे और ये मेरी नीस बैठी है, हम लोग यहाँ काफ़ी देर तक बातें करते रहे क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद आई थी, और पहले तो ये 1 दिन के लिए आई थी, इस बार ज़्यादा दिन के लिए, तो हम बात की। फिर उसके बाद हम आ गए थे टेरिस पे आ गए थे, और हम वो जो कौन क्या बोलते हैं उसको यार, पोटास बोलते हैं ना, हाँ, तो हम वो आ गए थे। मेरे को डर लग रहा था, मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया था और मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया था, लेकिन डरते डरते मैंने भी ट्राई किया और सब ने ट्राई किया। और यहाँ पे जो है उसके अंदर फील किया जा रहा है पोटास को, और उसका साउंड जो है इतना तेज़ था कि मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम किया ना तो मेरा कान सुन हो गया था, ऐसे सीटी सी बजती ना वैसे बजने लग गई थी। लेकिन डरते डरते मैंने एक बार किया और सब ने एक एक बार सब ने ट्राई किया था, मेरी नीस ने, मेरी बेटी ने, बेटे ने, सब ने। छोटी वाली जो गुड़िया थी उसने नहीं किया था क्योंकि वो वैसे ही डरती थी, तो उसने नहीं किया था, बाकी हम सब ने किया। और उसे दो दो बार किया था, जब एक बार उनका डर निकल गया ना तो दूसरी बार भी किया था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बस इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बस अब आगे रखो और हाथ को पूरा लंबा रखना पड़ता है क्योंकि आप पास फेस के पास तक ना अगर रखते हो तो वो रिस्क रहता है थोड़ा। लेकिन हाँ, पहली बार किया और अच्छे से किया, अच्छा लगा एक्सपीरियंस, तो सब ने किया यहाँ पे। इस नीस ने 2 बार किया था और मैंने भी 2 बार किया था, लेकिन मैंने वीडियो एक बार ही शूट किया, तो वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी मैं। और वो इस जो उसकी आवाज़ थी धमाके की, वो इतनी तेज़ थी ना, ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कोई गोली किसी से गोली जैसे राइफल से शूट करते हैं ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने बहुत सारी रील देखी थी एक्चुअली, मैं भी जब इंस्टाग्राम चला रही थी सबके देख रही थी कि सब लोग ये चला रहे हैं, तो एक्चुअली मेरा भी एक तरह से देखे जाए तो मैनिफेस्ट हो गया। हालांकि बिल्कुल भी पता नहीं था, बेटा अचानक से लेके आया था, उसने बोला मैं लेके आया, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ये लेके आएगा, और हमने इस बारे में बात की थी। लेकिन इन सब लोगों ने अपने वीडियो बनाए, फोटो वोटो जो भी जैसे बच्चे करते हैं, सब ने वीडियो शूट करे इसको लगाते हुए, क्योंकि सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो सब एक्साइटेड भी थे कि वाह देखते हैं हम भी कैसा लगता है। तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, और मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भी किया था। पहले पहले बहुत डर रही थी मैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम वाला है। इसके बाद सेकंड टाइम मैंने कहा तो इतना डर नहीं लगा था, ये फर्स्ट टाइम वाला है, इसमें मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन हाँ हमने इंजॉय किया। बस उसके बाद हम सब चले गए थे, मतलब नीस भी चली गई थी। ये कुछ पिक्चर है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आज के दिन की। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।